हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आपको समझ लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज एमपी मेन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन वर्ग 2 एंड वर्ग 3 के लिए एंड यूपी टीजीटी। ये तीनों एग्जाम जल्द से जल्द होने वाला है, आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। एंड EMRS यानी एकलव्य मॉडल स्कूल का भी वैकेंसी आ गया है, तो इन सभी के लिए मेरे चैनल में फ्री में आपका रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है आज से। एंड जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक डेली बेसिस पे इसी तरह क्लासेस चलती रहेंगी, वो भी फ्री में। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और अपना स्कोर चेक कीजिए, अपना डाउट क्लियर कीजिए और समय नष्ट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि समय दुनिया में सबसे मूल्यवान है। हम वही बात करते हैं जो आपके लिए लाभदायक होता है, आपके लिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए जो आपकी जरूरत है उसी की बात करती हूँ, क्योंकि फालतू समय वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि टूर्नामेंट के फिक्स्चर में टीम को उनकी वरीयता के आधार पर रखना क्या कहलाता है। तो टीम को उनके पूर्व प्रदर्शन के आधार पर बाई वाले स्थान पर रखा जाता है, उसे हम कहते हैं सीडिंग। क्या कहते हैं? सीडिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिटेबियम शरीर के किस अंग का भाग है। तो यह हिप ज्वाइंट का भाग है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है NBA का पूरा नाम क्या है। NBA का पूरा नाम है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। पूरा एक्सप्लेन के साथ में बताऊंगी दोस्तों, जिस क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वहां एक्सप्लेन भी किया जाएगा, आप चिंता ना करिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक के मेडल पर किसका चित्र रहता है। तो दोस्तों ओलंपिक के मेडल पर NIKE नाइक का चित्र रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों में वह कौन सा प्रोटीन होता है जो अंधेरे से उजाले में आने पर धीरे धीरे कार्य करता है। तो दोस्तों हमारे आंखों में दो सेल होती है, एक कौन सेल एंड एक रोड सेल। कौन सेल जो होता है वह अंधेरे में काम करता है, कौन सेल जो होता है वो प्रकाश में कार्य करता है, यानी कि वस्तुओं के रंगों को पहचानने का काम करता है। और जो रोड सेल होता है वह अंधेरे उजाले में फर्क करता है। तो अंधेरे से उजाले में आने पर धीरे धीरे कार्य कौन करता है? रोडोप्सिन लेयर, रोडोप्सिन यानी रोड सेल में रोडोप्सिन लेयर होता है। जैसे कि जो हम विटामिन ए के कारण ए की कमी हो जाता है तो यही रोडोप्सिन लेयर खराब हो जाता है और रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, यानी कि रात में दिखाई नहीं देता है। एंड दोस्तों एक कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो भी विटामिन ए के कारण होता है, उसमें हम हरा और लाल रंगों में हम फर्क नहीं कर पाते। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जोन्स को। एंड प्राचीन मनोविज्ञान के यानी मनोविज्ञान के पिता डायरेक्ट पूछेगा तो किसे कहा जाता है? विलियम उंट को, ठीक है, और आधुनिक मनोविज्ञान के पिता विलियम जेम्स को। एंड दोस्तों मनोविज्ञान का अर्थ है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, जिसको हम साइकी एंड लोगस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइकी का मतलब है आत्मा एंड लोगस का मतलब है अध्ययन, यानी कि आत्मा संबंधी अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। दोस्तों यह सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर व्यवहार का विज्ञान, लास्ट में व्यवहार। अब क्या माना जाता है, क्वेश्चन साफ से पूछा जाता है कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है हमेशा। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है वर्तमान दृष्टिकोण से पूछे तो हमेशा व्यवहार पर टिक करिए। यानी दोस्तों आत्मा का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में अरस्तु प्लेटो डेकार्ट ने। एंड मन मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा गया 17वीं शताब्दी में पेम्पोनॉजी ने कहा। एंड चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम उल्ट विलियम जेम्स ने कहा। एंड व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में प्रयोग हुआ वाटसन वुडवर्थ स्नीकर स्किनर थॉर्नडाइक मैकडूगल ने। व्यवहारवाद का जनक बोला जाता है वाटसन को। एंड वाटसन ने मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान
निश्चित मनोविज्ञान कहा। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एंड ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था दोस्तों? तो थॉर्नडाइक ने दिया था, इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनान काल में हिप्पोडर्म किसे कहा जाता था? तो दोस्तों यूनान काल में हिप्पोडर्म जो है किसको कहा जाता था? रथ दौड़ के मैदान को। किसको कहा जाता था? यूनान काल में हिप्पोडर्म रथ दौड़ के मैदान को कहा जाता था। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेल के जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद प्राचीन ओलंपिक खेल से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सब आपका क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन सा होता है? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है एंटीजन के आधार पर किया जाता है। तो ये जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी ही होगा और एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन होगा? ए एंटीबॉडी होगा। यदि बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी कौन होगा? ए होगा। ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। एंड यदि ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों एंटीजन है, यानी कि एंटीजन ए और बी दोनों है और एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। एंड ओ ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए और बी दोनों नहीं होगा, यानी एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा। तो इस प्रकार ए ए को दे सकता है, बी बी को दे सकता है। ए बी सर्वग्राही है, ओ सबका ग्रहण कर सकता है और ओ सर्वदाता है, इस सबको दे सकता है। ठीक है, जैसा कि आप समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का आविष्कार किसने किया था? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था, कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रिका की खोज यानी कि न्यूक्लियस की खोज किया था, केंद्रक की खोज, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों डीपीटी का पूरा नाम है डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस, यानी कि डिप्थीरिया जो होता है वो गले में छोटे बच्चों को हो जाता है, एंड पर्टुसिस खाली खांसी होता है, एंड टिटनेस, इन तीनों के लिए टीका लगाया जाता है डीपीटी का। ठीक है, इस डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस डीपीटी का फुल फॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्किन से संबंधित अध्ययन को डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी, ध्यान में रखिएगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है घेंगा यानी कि गोइटर डिजीज रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो आप सबको पता है आयोडीन की कमी से होता है, एंड थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन को स्त्रावित करता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? तो वजन कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक में और किस दौड़ में चौथा स्थान पाते हुए भी विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो वह था 400 मीटर दौड़ में वर्ष 1960 रोम ओलंपिक में। एंड दोस्तों नेक्स्ट है फॉस्बरी फ्लॉप नामक तकनीक किस खेल से संबंधित है और पहली बार 21 ओलंपिक में प्रयोग की गई? तो यह ऊंची कूद से संबंधित है। 1968 मेक्सिको सिटी ओलंपिक में सबसे पहले फॉस्बरी फ्लॉप नामक तकनीकी का प्रयोग किया था, तब से यह प्रचलित हो गया और यही ज्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट नेत्र सूत कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो दोस्तों ये आंखों में स्क्लेरा जो सफेद भाग होता है उसमें हो जाता है, तो आंखों का रोग है। ठीक है, जिसे आंखें जो है लाल पड़ जाती है, धुंधला दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया जिसे कहते हैं किस अंग का रोग है?
तो हेपेटाइटिस फिलिया जो है दोस्तों यह यकृत को प्रभावित करता है, यकृत यानी कि लीवर का रोग है। इसमें होता क्या है कि जो बिलिरुबिन होता है कैसी कलर होता है, जो हमारा आरबीसी जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि आरबीसी जो हमारा मरता है, कहाँ पे जाके मरता है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। कोशिका में कोशिका की सफाई करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम, फट जाता है, जल अपघटक एंजाइम होती है, इसीलिए उसे सुसाइडल बैग भी बोला जाता है लाइसोसोम को। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता तो उसका सफाई कौन करेगा, तो जा करके मरता है कहाँ पे, स्प्लीन में और यकृत में। इसे स्प्लीन को ब्लड आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। तो जो मरा हुआ आरबीसी होता है उसी से यकृत जो है बिलिरुबिन का निर्माण करता है, और बिलिरुबिन का निर्माण जब करता है तो वो हमारे शरीर में पोषण का पाचन करने में सहायक होता है, पित्त रस का उससे निर्माण होता है। और जब कभी कभी क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन से मिलकर बना होता है पित्तरस, और पित्तरस वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी वेस्ट पदार्थ को भी वो सही चीज में यूज कर दे रहा है लीवर। और क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा संख्या में आरबीसी मरता है अनकंडीशन, मतलब एकाएक किसी संक्रमण के कारण, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वायरस संक्रमण रोग है, तो किसी संक्रमण के कारण अगर अचानक से बहुत ज्यादा संख्या में आरबीसी मरता है तो बहुत ज्यादा संख्या में बिलिरुबिन जो है बढ़ने लगता है, और बिलिरुबिन यकृत जो है रक्त से बिलिरुबिन को अलग करने की क्षमता यकृत की खत्म हो जाती है, और पूरे रक्त में जो है बिलिरुबिन यानी पित्तरस जो है वो जाने लगता है रक्त के साथ, जिसे शरीर पीला पड़ जाता है और बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है, इसी को कहते हैं पीलिया। यह हमारे यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लिपिड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वसा का वैज्ञानिक रूप में, वसा को हम फैट को वैज्ञानिक रूप से लिपिड कहते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हैं तो पहले राउंड में कितनी मैचें खेले जाएंगी। तो दोस्तों मैंने नॉकआउट टूर्नामेंट की डिटेल में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से एक ही वीडियो मैंने जो डिटेल में छोटे से वीडियो में सभी चीजें बताया है, कोई नहीं बताया है। तो क्या कह रहा है कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हैं तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले आपको निकालना होगा कि 17 टीमें हैं तो बाई कितना दिया जाएगा दोस्तों, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32 में 17 आप घटाएंगे कितना बचेगा, 15, यानी कि 15 आपका कितना हो रहा है, बाई दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि नॉकआउट टूर्नामेंट पहले राउंड में होने वाले मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों n माइनस नंबर ऑफ बाई अपॉन 2, ठीक है, n माइनस नंबर ऑफ बाई अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका क्या है, n माइनस नंबर ऑफ बाई अपॉन 2, n कितना है दोस्तों, n है 17, कितना है 17, नंबर ऑफ बाई कितना होगा 15, ठीक, अपॉन 2, तो 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/2, यानी 2 × 2, तो कितना होगा, जब 15 आपका बाई ही दिया जा रहा है, एक एक दो टीम ओनली बचा, तो दो टीमों में कितना मैच खेले जाएंगे, ओनली एक मैच खेला जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमें हैं तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे, एक मैच खेले जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है दोस्तों, जो हमारा रिस्ट ज्वाइंट है, कॉर्डिलाइट ज्वाइंट है। कॉर्डिलाइट ज्वाइंट में क्या होता है, दोनों तल में गति होता है। एंड हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, एक तल में गति होता है, जिसे हम कब्जा संधि, कोर संधि भी कहते हैं। तो दोनों एक तल में है, जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है उसी तरह हमारा कब्जा संधि भी एक तरफ घूमता है। जैसे कि हमारा हिंज ज्वाइंट में हमारा कोहनी की संधि यानी कि नी एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट एंड उंगलियों का जोड़ आता है। एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट में आपका आता है, इसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी पर सरकता है, जैसे कि कार्पस और टार्सस ज्वाइंट।
सैडल ज्वाइंट में क्या होता है, परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधियां होती है, जैसे कि अंगूठा सभी हड्डियों की तरफ, सभी उंगलियों की तरफ जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट हम चल संधि को कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सीकम किस अंग का भाग होता है, तो सीकम, कोलन, मलाशय, ये सभी भाग होते हैं आपके बड़ी आंत के। किसके भाग होते हैं? सीकम बड़ी आंत के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय के अनुशीतलन होने के दौरान जो रक्त का दाब धमनियों पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों हृदय जब अनुशीतलन होता है तो उस समय जो धमनियों पर रक्त का दाब पड़ता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। अब हृदय जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचन होता है, उस समय जब धमनियों पर दाब पड़ता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतम अंतः श्वसन करने के पश्चात सामान्य वाह श्वसन में वायु की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एयर। नेक्स्ट दोस्तों गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? तो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, LDL HDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और LDL जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे धमनियों में चिपक जाता है और जिससे धमनियां जो है रक्त फ्लो अच्छा से नहीं कर पाती हैं और जिससे हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? दोस्तों हमारे शरीर में सबसे मुख्य चीज है लीवर। कौन है? लीवर। लीवर को रासायनिक कारखाना यकृत को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को वृद्धि यानी ग्रोथ विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन ए को बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का उत्पादन शरीर में कहाँ होता है? तो शरीर में बात करें तो विटामिन ए का उत्पादन होता है लीवर में। कहाँ पे होता है? लीवर में। एंड नेक्स्ट है कि आंख के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पर आकृति यानी कि वस्तु की आकृति बनती है? तो रेटिना पे बनती है। कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। जब हमारा प्रकाश जो है पुतली से होता हुआ लेंस से टकराता है और लेंस उस प्रकाश को कॉर्निया पे भेज देता, रेटिना पे भेज देता है, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पे, वहीं हम वस्तु को देखता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष में हमने इसका ट्रिक बनाया है अनि उदू। अ से अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष, अनि अवतल लेंस, नि से निकट दृष्टि दोष, उदू उ से उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष है उदू यानी कि उ से उत्तल लेंस। कहाँ हो जाएगा? उत्तल लेंस आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग होता है? कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फ्रंटल बोन की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हमारे जो खोपड़े की हड्डियां होती हैं उसमें 8 हड्डियां होती हैं, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड स्फेनॉइड, इथमोइड होती हैं। इसमें से फ्रंटल जो है एक होती है। कितनी होती है? फ्रंटल बोन एक होती है, पैराइटल बोन 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, ऑसिपिटल 1 होती है, स्फेनॉइड 1 होती है, इथमोइड 1 होती है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों वर्धमान नामक मनोवैज्ञानिक का संबंध सीखने के किस सिद्धांत से है? तो वर्धमान दिव्य दृष्टि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनसाइट के जनक माने जाते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ इनसाइट का प्रयोग सबसे पहले किया कोहलर ने, ठीक है। नेक्स्ट है किस खेल का नाम पच्चीसी है? तो दोस्तों लूडो को प्राचीन काल में पच्चीसी बोला जाता था। नेक्स्ट है विटामिन के का उत्पादन शरीर में कहाँ होता है? तो ऐसे तो हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के पाया जाता है जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। एक ही शरीर में इसका उत्पादन होता है बड़ी आंत में। नेक्स्ट है किस खेल का प्राचीन नाम हॉर्स स्पोर्ट्स है? तो फुटबॉल का प्राचीन नाम हॉर्स स्पोर्ट्स है। नेक्स्ट है किस समिति के अनुमोदन पर अर्जुन अवार्ड की घोषणा की जाती है? तो AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के अनुमोदन पर अर्जुन अवार्ड की घोषणा की जाती है।
एंड दोस्तों नेक्स्ट है OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है कुवैत। कहाँ पे है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कुवैत है। इसका स्थापना 16 नवंबर 1982 न्यू दिल्ली में हुआ था, जो एशियन गेम का संचालन करती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष का क्या नाम है? तो 2021 में नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, बट वर्तमान में IOA का अध्यक्ष है PT उषा, जो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, ये ध्यान में रखिएगा। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में सर दुर्गाबाजी टाटा के निर्देशन में हुआ, और प्रथम अध्यक्ष भी सर दुर्गाबाजी टाटा थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 के IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों वर्तमान में IOC के अध्यक्ष है थॉमस बाग, और वह तलवारबाजी यानी फेंसिंग से संबंधित रखते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस कवि का नाम बताओ जो प्राचीन कालीन ओलंपिक में विजेता के खिलाड़ियों के लिए कविताएं गाया करता था। तो दोस्तों प्राचीन ओलंपिक में पिंडार नाम का एक कवि होता था, जो विजेताओं के लिए कविताएं गाया करता था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाने के लिए अगर टाई हो जाए तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? तो दोस्तों क्या किया जाएगा कि दोनों खिलाड़ियों को दोबारा दौड़ाया जाएगा 45 मिनट के बाद। एंड दोस्तों नेक्स्ट है पेट्रिसाज क्या है? तो दोस्तों पेट्रिसाज एक मसाज है। मसाज से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो मसाज 4 प्रकार के हैं, मैंने इसको डिटेल में बताया हुआ है, बहुत ही शॉर्ट में सभी चीजें आप बुक में पढ़ेंगे तो मसाज को पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग हैंग हो जाएगा पूरा, आपको नहीं समझ में आएगा। मैंने शॉर्ट में ट्रिक के द्वारा पूरा बताया हुआ है, मालिश वाले वीडियोज को देख लीजिए, जैसे कि स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, शेकिंग, 4 प्रकार के मसाज होते हैं, तो उसको डिटेल में देखिएगा। यहाँ भी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट दोस्तों तली भुनी चीजों में कौन सी वसा की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों तली भुनी चीजें जो होती है उसमें ट्रांस फैट होता है, जो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है ट्रांस फैट। जो फैट होता है हमारा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड 2 प्रकार का होता है, जो हमारे लिए लाभदायक होता है अनसैचुरेटेड फैट, जिसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जैसे इसमें इसके अंतर्गत बादाम, काजू, मूंगफली, सूरजमुखी एंड सोयाबीन आदि आता है। तो हमें अनसैचुरेटेड फैट को खाना चाहिए एंड सैचुरेटेड फैट पर नियंत्रण रखना चाहिए। ट्रांस फैट जो होता है उसे प्रतिबंधित, यानी कि उसको 1% भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजनेटेड होता है, जैसे कि डालडा, वनस्पति, बेकरी, फास्ट फूड, पिज्जा, पकौड़े, ये सभी चीज़ें ट्रांस फैट में आती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत में LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना 1957 ग्वालियर मध्य प्रदेश में विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबद्ध था। तो 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका स्थापना किया गया, जिसके पहले आचार्य थे PM जोसेफ, और 1964 में इसको जीवाजी विश्वविद्यालय के अधीन लाया गया। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय यानी NCPE रखा गया। 1982 में स्वायत्त शासी संस्था का दर्जा मिला एंड 2 सितंबर 1995 को इसको डिम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया, और 2008 में इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसको LNUPE लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहा जाने लगा। और दोस्तों इसका एक शाखा 1985 में LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया। कब? 1985 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम केरल। LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। यह आपका साई का शैक्षणिक केंद्र भी है। साई का क्या है? यह शैक्षणिक केंद्र है। शैक्षणिक केंद्र के अंतर्गत साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ, तो साई के शैक्षणिक केंद्र के अंतर्गत खेलों के लिए अकादमिक खंड, जिसके लिए जिसमें आपका NSNIS पटियाला आता है, एंड सारी शिक्षा के लिए अकादमिक खंड जो है आपका त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम में केरल में जो है LNCPE के रूप में जाना जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबादास कृष्ण कौन थे?
यह हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संस्थापक थे जिसकी स्थापना 1914 में हुआ था। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, जीरी सौंधी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जैसे आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने वाले उनके पितामह कहे जाते हैं बैरन पियरडी कुबर्टन, उसी प्रकार एशियन खेलों को शुरू करने का श्रेय जीरी सौंधी को जाता है, इसलिए एशियन खेलों का पितामह कहा जाता है जीरी सौंधी को। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी का पूरा नाम क्या है। तो यूजीसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना नवंबर 1956 में हुआ। नेक्स्ट है, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है। तो एनसीटीई का पूरा नाम है दोस्तों, इसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जो सभी प्रकार की टीचर से रिलेटेड संस्थाओं को देखती है। नेक्स्ट दोस्तों, यम ओ ओ सी का पूरा नाम क्या है। तो यम ओ ओ सी का पूरा नाम है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुन्नार क्या है, एम यू डबल एन ए आर, मुन्नार क्या है। तो दोस्तों मुन्नार जो है साई का हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र है। साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ, का हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण केंद्र है। तो दोस्तों ये था 50 MCQ आज के सेशन में। इसी तरह डेली बेसिस पे आपको चलता रहेगा, 8-10 हजार क्वेश्चन में आपको रिवीजन करा दूंगी, जिससे आपके माइंड में इतना रिवीजन हो जाएगा कि आपको एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कैसा लगा, कौन से क्वेश्चन में आपके डाउट हुआ, ये सभी चीज़ें कमेंट में जरूर बताइए। और आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इसी प्रकार डेली बेसिस से प्रैक्टिस कीजिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।